हाय देयर, नमस्ते, वेलकम टू फिट तक। माय नेम इज नवीन शर्मा। आजकल की लाइफस्टाइल में हम अपना ज़्यादातर समय स्क्रीन्स पर बिताते हैं, चाहे वो फ़ोन की स्क्रीन हो, लैपटॉप की हो या फिर कंप्यूटर की हो। जब भी हम स्क्रीन्स पर समय बिताते हैं, ज़्यादातर केसेस में हम इस तरीके से बैठते हैं जहाँ पर हमारा चेस्ट अंदर की तरफ होता है, शोल्डर्स आगे की तरफ होते हैं और आपकी जो अपर बैक है वो पीछे की तरफ होती है। ये एक ख़राब पॉस्चर है और जितना ज़्यादा इसमें हम बैठते हैं, जितने ज़्यादा दिनों तक बैठते हैं, हमारा पॉस्चर इसी तरीके का बन जाता है। इसके कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं अगर लंबे समय तक आप इसी तरीके से बैठेंगे। ये आपको सांस लेने में तकलीफ़ कर सकता है, कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। डरने की कोई बात नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसे आसन जिससे आप अपने पॉस्चर्स को फिक्स कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला आसन है अधोमुख श्वानासन। चलिए देखते हैं करना कैसे है इसे। अधोमुख श्वानासन के लिए हम सबसे पहले टेबल टॉप पोजीशन में आते हैं। टेबल टॉप के लिए आपको अपनी रिस्ट को शोल्डर के एग्जैक्टली नीचे रखना है, घुटनों को पेल्विस के एग्जैक्टली नीचे रखना है और अपने दोनों टोज को अंदर की तरफ रखना है। यहाँ पे आप लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने घुटनों को ऊपर उठाएंगे और हिप्स को पीछे की तरफ धकेलेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप यहीं तक रुक सकते हैं। बैक को जितना ज़्यादा सीधा रखेंगे उतना अच्छा है। घुटनों को बेंड करके रख सकते हैं, हील्स को थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपनी दोनों हील्स को पूरा नीचे की तरफ लेके जाएंगे, हिप्स को और पीछे की तरफ करेंगे और अपने गर्दन को, अपने सर को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे। इस पोस्चर में आने के बाद आप अपने आप को 5 से 10 सांसों तक रख सकते हैं इस पोस्चर में। लंबी गहरी सांस लें हर बार और लंबी गहरी सांसें छोड़ें। दूसरे आसन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा आसन है ऊष्ट्र आसन, कैमल पोजीशन। और कैमल पोजीशन हैपन्स ऑन योर नीज। इसके लिए आप अपने घुटनों पर खड़े हो सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट आपको फील होता है आपके घुटनों पर जब आप इस तरीके से हैं, तो उसके लिए आप अपने मैट को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अपने घुटनों को यहाँ पे रखें। इससे आपको अच्छी कुशनिंग मिलेगी और डिस्कम्फर्ट चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं करते कैसे हैं इसको। सबसे पहले आप इस पोजिशन में आ जाएंगे। टोज या तो आप अंदर रखेंगे और या फिर बाहर, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कम्फर्ट आपको किस में मिल रहा है। उसके बाद दो तरीके हैं इसको करने के। पहला है अर्ध ऊष्ट्रासन, जिसको करने के लिए आपके दोनों हाथ आपकी कमर के पीछे रहेंगे, अपने ग्लूट्स को टाइट करेंगे और आगे की तरफ पुश करेंगे, छाती को और ओपन करेंगे, कंधों को पीछे की तरफ करेंगे और अगर आपकी गर्दन में कोई तकलीफ नहीं है तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं और नहीं तो आगे की तरफ देखेंगे। तो ये है आपका अर्ध ऊष्ट्रासन। दूसरा है पूर्ण ऊष्ट्रासना, उसको भी देख लेते हैं। इसके लिए आप अपनी दोनों हथेलियों को अपनी हील्स पर लेकर जाएंगे। पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ते हुए राइट हैंड को लेकर जाएंगे राइट हील पर, उसके बाद अगेन इनहेल एक्सहेल, लेफ्ट पाम को लेकर जाएंगे लेफ्ट हील पर। इसमें भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेल्विस को, हिप्स को आगे की तरफ पुश करेंगे, आप अपने चेस्ट को ओपन करेंगे, शोल्डर्स को पीछे की तरफ धकेलेंगे, या तो आप पीछे की तरफ देखेंगे और या फिर आगे की तरफ। ये डिपेंड करता है आपकी गर्दन के कंफर्ट पे। अगर आपको किसी भी तरीके का नेक डिस्कम्फर्ट है तो पीछे देखने से वो शायद बढ़ सकता है, तो आप आगे की तरफ देखें। चलिए अब तीसरे आसन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा आसन है सर्प आसन। ये हम करते हैं अपने पेट के बल पर लेट के। इसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप अपने पैरों को पूरा साथ में रखें और या फिर थोड़ा सा खोल के, जो भी आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है उसको फॉलो करें। यहाँ पे आने के बाद आप अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करते हैं और अगेन दोबारा से अपने चेस्ट को ओपन करते हैं, शोल्डर्स को पीछे की तरफ करते हैं। यहाँ से लंबी गहरी सांस लेते हुए पेट के बल अपने आप को ऊपर की तरफ उठाते हैं और थोड़ा सा आगे की तरफ देखते हैं। इसमें भी वही लॉजिक है, अगर आपको नेक में कोई प्रॉब्लम है ज़्यादा मत उठाएं अपनी नेक को, थोड़ा सा नीचे रखें और फिर उसके बाद आप वापस आ सकते हैं। हर आसन में, इससे पहले वाले में भी, इस आसन में भी, आप
5 से 10 सांसों तक रुक सकते हैं। अगर आप काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप थोड़ा और भी रुक सकते हैं। चलिए अब अगला आसन देखते हैं। अगला आसन है धनुरासन, और धनुरासन के लिए भी हम अपने पेट पर ही लेटते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने एंकल्स को पकड़ सकें। एंकल्स को पकड़ने के बाद आप सांस लेते हुए आपकी अपर और लोअर दोनों बॉडी ऊपर की तरफ खींचेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने थाइस को ऊपर की तरफ लेकर जाएं और चेस्ट को भी ऊपर की तरफ लेकर जाएं। आप थोड़ा नीचे की तरफ देख सकते हैं या फिर थोड़ा आगे की तरफ देख सकते हैं। और अगर इसको करने में कोई तकलीफ है धनुरासन को, तो आप कर सकते हैं विपरीत शलभ आसन। वो आप इस तरीके से करेंगे, हाथ दोनों आगे रहेंगे, पैर खुले हुए, और आप अपने आप को ऊपर की तरफ दोबारा से उठाएंगे। तो ये हो गया आपका विपरीत शलभ आसन। ये था हमारा फोर्थ आसन। चलिए अब लास्ट आसन करते हैं, जो कि हमारी पीठ के बल होता है, सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए हम लेट जाएंगे अपनी पीठ पर, और आपके घुटने मुड़े हुए रहेंगे, दोनों पैर आपके थोड़े पास रहेंगे, टोज आपके आगे की तरफ फेस करेंगे, और यहाँ से अपने ग्लूट्स को टाइट करते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे। अगेन दोबारा से छाती को थोड़ा सा ओपन करेंगे, यहाँ पे चेस्ट को ओपन करेंगे, शोल्डर्स को ओपन करेंगे, और कोशिश करेंगे कि दोनों हथेलियों को इंटरलॉक कर सकें, एल्बोज़ को स्ट्रेट कर सकें और नीचे की तरफ कर सकें। जितना ज़्यादा आप अपने हिप्स को ऊपर लेके जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी भी वजह से आप दोनों हाथों को एक साथ नहीं रख पा रहे हैं, तो दोनों हाथों को थोड़ा सा बाजू में भी रख सकते हैं। तो इस आसन को भी आप 5 से 10 सांसों तक रोक सकते हैं, और उसके बाद आप धीरे से अपना पेल्विस नीचे लेकर आएंगे, और उसके बाद आप टर्न करके बैठ सकते हैं। ऑलराइट, सो ये हैं हमारे 5 ऐसे आसन जो आपको आपका पोस्चर बेटर करने में मदद कर सकते हैं। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं अपना अगला वीडियो बनाऊं। अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए फिट तक के साथ। मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।